अजय देवगन इन दिनों अपनी नई फिल्म टोटल धमाल के जरिए बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचा रहे हैं। बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। बात की जाए अजय के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो जल्द ही दे दे प्यार दे, तानाजी, चाणक्य की बायोपिक और फुटबॉल सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। बात की जाए फुटबॉल बायोपिक की, तो इस फिल्म की घोषणा अभी हाल ही में हुई थी और फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं था। इस फिल्म को लेकर एक शानदार खबर हमारे हाथ लग गई है। एक रिपोर्ट की खबर की माने तो अजय की इस फिल्म के लिए हीरोइन के नाम पर ठप्पा लग चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में साउथ की जानी मानी हीरोइन कृति सुरेश नजर आने वाली है। कृति ने इस खबर की पुष्टि करते हुए पोर्टल को जानकारी दी है कि भारतीय इतिहास सैयद अब्दुल रहीम का नाम धुंधला हो चुका है और मैं खुश हूँ कि निर्माता इस फिल्म के जरिए उनकी कहानी को बयां करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कृति इस फिल्म में अजय की पत्नी का रोल अदा करेंगी। बात की जाए कृति की, तो इस फिल्म के समय वो तेलुगु तमिल सहित कई फिल्म की शूटिंग कर रही है। खबरें हैं कि वह जल्द ही रजनीकांत की नई फिल्म में भी लीड रोल अदा कर सकती हैं। फिलहाल तो देखना होगा कि कृति अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए कितना धमाल मचाती हैं और कैसी लगती हैं। बता दें कि कृति ने बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा काफ़ी लंबे समय से की है। वहीं कुछ महीनों पहले सुनने में आया था कि बधाई हो फिल्म निर्देशक अमित शर्मा उन्हें अपनी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। दोस्तों, आप इन दोनों की जोड़ी देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबरें मिलती है सबसे पहले।